नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। पूर्व विदेश सचिव गोखले बोले, चीनी आक्रामकता का 5 अगस्त 2019 की कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं। केंद्र सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता और वीडियोकॉन के पक्ष में दिए गए अवार्ड को बरकरार रखा। NHRC ने गोमांस की बिक्री के कारण पीटे गए व्यक्ति को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। कृषि विधेयकों को लेकर अकाली दल ने केंद्र सरकार के सामने विरोध किया। भारत पर्यवेक्षक के तौर पर जिबूती आचार संहिता में हुआ शामिल, हिंद महासागर की सुरक्षा में करेगा सहयोग। आंध्र प्रदेश में तिरुपति से कोलकाता जा रहे ट्रक से करीब 80 लाख के मोबाइल फोन चोरी, जांच जारी। तमिलनाडु में बाघ के नाखून व हाथी दांत के भंडारण करने के आरोप में सिद्ध चिकित्सक गिरफ्तार। विधि छात्र की संदिग्ध मौत की जांच फिर से होगी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सभी राज्य थानों में CCTV कैमरे लगाने संबंधित डेटा पेश करें। अवैध रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर रहे 13 बांग्लादेशी गिरफ्तार, सामान किया जब्त। स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। लालू भाई पटेल ने कहा, पाकिस्तान ने 270 भारतीय मछुआरे समेत करीब 1200 नौकाओं को अपने कब्जे में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत अनुचित है कि याचिका दायर कर हाईकोर्ट में जज बनाने की मांग करे। माननीयों के खिलाफ लंबित मामले के जल्द निपटारे का केंद्र सरकार ने किया समर्थन। यूपी समेत 12 राज्यों में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट सबसे ज्यादा सक्रिय। कोलकाता में पत्नी ने की थी मोबाइल चार्जर से पति की गला दबाकर हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। महाराष्ट्र में बाबा साहेब ठाकरे दुर्घटना बीमा योजना लागू, मिलेगा मुफ्त इलाज। लॉकडाउन के कारण रेलवे को हुआ राजस्व घाटा, वंदे भारत मिशन के तहत भारत लौटे 13 लाख से अधिक लोग। तमिलनाडु के कोविलपट्टी में 28 मोर मृत मिले, मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू। बढ़ता जा रहा कोरोना का कहर, अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुए संक्रमित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। IAAF के पूर्व प्रमुख लेविक डियाक को 2 साल की जेल, पेरिस की अदालत ने सुनाई सजा। व्हीलचेयर पर पड़े जिमनास्ट संदीप को खेलो इंडिया से बाहर निकाला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टिकटॉक के किसी भी सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं हूं तैयार। ग्रीस में छेड़छाड़ के आरोप में बंधक बनाए गए 30 पाकिस्तानी दूतावास ने कराया रिहा।